मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। आज AKS पाठशाला एंटरटेनमेंट आकांक्षा अवस्थी जी के प्रोडक्शन हाउस एस्टेब्लिश हो रहा है इंडस्ट्री में और उनका ढेर सारा शुभकामनाएं, ग्रेट विशेज। और जैसे उन्होंने पहली फिल्म में एकदम धमाकेदार एंट्री ली थी दबंग सरकार से, और वैसे ही एक काफी बड़ी और काफी रोमांचक फिल्में बनाते रहे अपने प्रोडक्शन हाउस से, और भोजपुरी इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री हर जगह एकदम छा जाए उनका बैनर, उनका प्रोडक्शन। ग्रेट विशेष, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने उनके साथ काम तो नहीं किया है? नहीं, हमने काम नहीं किया, पर काम देखा होगा। नहीं, मैंने हाँ काम देखा है, दबंग सरकार का प्रोमो मैंने देखा था, मूवी में किसी वजह से नहीं देख पाया था। उस फिल्म का हिस्सा मैं होने वाला था, जो डायरेक्टर साहब थे योगेश मिश्रा जी, काफी अच्छी पुरानी पहचान है मेरी, किसी वजह से मैं डेट नहीं होने के कारण उस फिल्म को नहीं कर पाया, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हम लोग साथ काम करेंगे। क्यों नहीं करना चाहेंगे, एक्टर है जो भी प्रोड्यूसर सबके साथ काम करना चाहेंगे, और अगर लेडीज प्रोड्यूसर वो भी हीरोइन है तो उनके साथ तो और जरूर काम करना चाहूंगा मैं। अच्छा, ये बातें जो कहते हैं तो आंखों में एक अलग किस्म की चमक नजर आती है मुझे। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मेरे ज्यादातर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लेडीज ही रही है, तो मेरी आंखों में चमक रहता है कि मुझे औरतें और रिस्पेक्ट करती है महिलाएं, और मुझे अपनी फिल्मों में लेते हैं लोग, तो एक चमक रहता है, एक शाइन रहता है। काजल रिलीज पे है? यस यस, काजल रिलीज पे है, और काजल का आज ही हमारा ऑडियो सॉन्ग एक रिलीज हुआ है, मेरा और अमरपाली दुबे जी का, जो मुश्किल से 8 से 10 घंटे में 1.5 मिलियन पहुंच चुका है व्यूज, तो काफी गर्म है फिल्म मार्केट में, काफी उम्मीद है इंडस्ट्री को, पूरी इंडस्ट्री को उम्मीद है, सिर्फ हमारी टीम को ही नहीं, और दर्शकों की भी उम्मीद हुआ, और दर्शकों से हमारा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट बा कि ये फिल्म के थिएटर में जाके देखी। 21 जून डेट लॉक हो चुकल बा, काजल बिहार में आ रहा बा, अच्छे से इसको पब्लिसिटी कीजिए, शेयर कीजिए, और काजल को एकदम हाइप दीजिए। धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।